हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान नूह हिंसा को लेकर मूलचंद शर्मा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। तो साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आबादी में दोनों समुदाय के लोगों का बहुत बड़ा रोल था, जिस प्रकार वहां ऐसी निंदनीय घटना हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालात हुए हैं, सबसे पहले तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से है कि शांति बना के रखें, कि ये अपने जिस तरह से 1947 में दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर जिस तरह की लड़ाई लड़ी थी और देश की आज़ादी में दोनों समुदायों का बहुत बड़ा रोल रहा, और जिस तरह का उपद्रव ये हुआ इसकी कभी कल्पना भी नहीं थी। इस तरह के हालात शिव मंदिर पे नल्लड़ पे होंगे और कभी इसके बारे में इस तरह के कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस तरह से पहाड़ी पे चढ़ खड़े होकर फायरिंग का हुआ, पत्थर फेंके गए और आदमियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 150 गाड़ियों को जलकर राख हो चुकी, और ये नहीं कि भाई ये कोई इस तरह का षड्यंत्र है इसमें, और इस तरह से तैयारी के साथ छतों पर पत्थर जिस तरह से फेंके गए, जिस तरह से राइफलों से पहाड़ी पे चढ़ के चलाई गई, ये कोई ये नहीं एक दिन का नहीं है कोई इमरजेंसी। इस हालात से सब मुख्यमंत्री जी आपसे कह चुके हैं कि इस पर विशेष इंक्वायरी होगी, इसकी जो भी लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कहीं भी हो, अगर लोग कोई कहीं भाग लेना वहां से भी पकड़ के उसको लाना, पाताल से भी लाना पड़ा वहां से भी लाना पड़ेगा, उसको बख्शा नहीं जाए किसी कीमत पे। इस तरह के जिस तरह के अमन चैन शांति को, कि सारे लोग इस तरह के नहीं है, वहां लोग अमन चाहते हैं शांति चाहते हैं, लोग जिस तरह का मेवात में विकास व्यापार कारोबार उद्योग की तरफ जा रहा था, बॉम्बे एक्सप्रेस के साथ जिस तरह के मेवात के अपने पलवल की जो दिशा में काम कर रहा था उस पर रोक लगाने का जिन लोगों ने काम किया, इस तरह का उपद्रव हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके साथ उनके एक को भी नहीं बख्शे। लोग हमारे घायल हैं, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इस तरह के धार्मिक स्थल पे जिस तरह का अटैक इन लोगों ने किया है, और मुख्यमंत्री ये भी कहा है कि इस तरह के लोगों को पहाड़ी पे चढ़कर जिस तरह से फायरिंग की है और मंदिर से 70 मीटर दूर जिस तरह की फायरिंग हुई है, जो भी लोग हैं इसमें जो लोगों ने काम किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जब बच्चों के साथ बेटियों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ हुआ है उन किसी को बख्शा नहीं जाएगा।